वेलकम टू इंग्लिश शॉप। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट फ्लाइट की बुक में जो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, यानी इसमें हम देखेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया हमें ही पता है कि कितना डाइवर्स है, कितने अलग अलग तरीके रिचुअल्स कस्टम अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट्स में मनाए जाते हैं, और इंडिया होकर भी अलग अलग लोग अलग लैंग्वेज अलग रीति रिवाज और अलग कस्टम को वो लोग करते हैं। तो उसी की एक झलक हम देखने वाले हैं, और इसमें टोटल 3 पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट आज हम करने वाले हैं, विच इज अ बेकर फ्रॉम गोवा, रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का ओवरव्यू और समरी। तो अगर चैप्टर की बात करूं तो लूसियो रॉड्रिग्स जो राइटर है इस चैप्टर की, अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये उनका खुद का एक सेल्फ फेल्ट एक्सपीरियंस, उन्होंने खुद महसूस किया, और उसी एक्सपीरियंस को, उसी इंसिडेंट को जो उन्होंने बचपन में गोवा की शहरों की गलियों में महसूस किया, उसे हमें इस चैप्टर में बताने वाले हैं। तो अगर मैं आपको इससे पहले बता दूं कि इंडिया जब आजाद हुआ था 1947 में, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था, लेकिन फिर भी गोवा गुलाम था। गोवा में पोर्तुगीज कॉलोनी थी, यानी पुर्तगाल के लोग गोवा को गुलाम बना रहे थे, और फिर कुछ सालों बाद उसको पूरी तरह से आजाद कराया गया। तो जैसे कि जो लोग वहां को गुलाम बना लेते हैं उनका कस्टम उनकी रीति रिवाज वहां आ जाती, इसी तरीके से अभी भी कुछ कुछ पोर्तुगीज कॉलोनी रहने के बावजूद, यानी गोवा एक पोर्तुगीज कॉलोनी रहा है, तो वहां के कस्टम देखे जा सकते हैं। तो राइटर कहते हैं कि वो अक्सर अपने बड़ों को ये कहते हुए सुनते थे नॉस्टैल्जिकली। नॉस्टैल्जिकली मतलब जब पास्ट की बातों को हम बड़े प्यार से बड़े अच्छे तरीके से याद करते हैं, तो नॉस्टैल्जिक वे में वो याद करते हैं कि गोवा में पहले ब्रेड्स बोल लोव्स इन सब के लोग बहुत ज्यादा शौकीन हुआ करते थे। खाने वाले तो अब नहीं रहे क्योंकि अब सालों बीत चुके हैं, लेकिन बनाने वाले अब भी हैं उस गोवा के शहरों में। उनके बीच अभी भी मिक्सर्स मोल्डर्स और मेकर्स जो उन ब्रेड्स को बनाया करते थे। राइटर कहते हैं कि बहुत ज्यादा बेहतरीन हुआ करता था वो, जिस तरह से आते थे एक थर्ड और जंग जंग की जो झंग झंग की जो आवाज आती थी उस आवाज से वो जग जाया करते थे। वो कहते हैं कि वो सुबह को ही उनकी आवाज से उनकी आंखें खुल जाती थी, और वो लोग एक बैम्बो स्टिक हाथ में लेकर रहते थे जिसमें झंग झंग साउंड होता था, और अपने सर के ऊपर एक टोकरी लेकर रहा करते थे जिसमें वो ब्रेड लेकर आते थे, और दो वक्त देखते थे राइटर उनको। एक सुबह में जब वो उनके गांव में एंट्री करते थे अपनी भरी हुई टोकरी लेकर जो ब्रेड से भरा हुआ होता था, और दूसरी बार जब वो शाम को वहां से लौटा करते थे तो उस बास्केट को खाली करके लौटा करते थे। और वो कहते हैं कि जब वो वहां से गुजरा करते थे उनकी झंग झंग साउंड सुनकर हम बच्चों लोग दौड़ा करते थे उनके पीछे, और वो कंपेनियन भी हुआ करते थे, लोगों को रास्ता भी बताते थे, क्योंकि उनको गांव की हर गलियों के बारे में पता था। वो जब सुबह आते थे तो गांव की औरतों को ग्रीट करते थे, उन्हें गुड मॉर्निंग कहते थे, और उसके बाद ब्रेड्स लेकर आते थे। तो राइटर ये भी कहते हैं कि हम लोग उनके पीछे क्यों भागते थे, क्या हमें ब्रेड बहुत ज्यादा पसंद थे? बिल्कुल नहीं। जबकि ब्रेड की बात अगर बोली जाए तो ब्रेड एक पैस्किन और बैस्टिन, यानी एक मेड सर्वेंट, एक निचले तबके के लोगों के लिए लाया जाता था, और निचले तबके के लोगों को दिया जाता था, घर के नौकरों को दिया जाता था। फिर भी राइटर उसके पीछे दौड़ा करते थे, उसके पीछे भागा करते थे, और घर की औरतें जब ब्रेड खरीदा करती थी तो जब बच्चे भीड़ लगा देते हैं तो उन्हें हल्की सी डांट झपट के बाद उन्हें दूर किया जाता है। और राइटर कहते हैं हमें भी इस तरीके से भगा दिया जाता था या डांट दिया जाता था, फिर भी हम इतनी आसानी से हार नहीं मानते थे। हम लोग दीवारों पे चढ़कर, कभी पेड़ों पे चढ़कर, कभी कुछ स्टूल पे चढ़कर झांका करते थे। वी यूज्ड टू पीप कि आखिर है क्या इसके अंदर। और उन्हें स्वीट ब्रेड जो एक मीठा होता था वो ज्यादा पसंद हुआ करता था, और ये लोग बिना ब्रश किए ही उसे खा जाया करते थे, ब्रश करने की भी केयर नहीं करते थे, और बड़े ही नॉटी इस तरीके से राइटर कहते हैं कि उस वक्त हम लोग ब्रश करने की भी फिक्र नहीं करते थे, और ब्रश करे भी क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि शेर ने आज तक कभी ब्रश नहीं किया, और इस वजह से गर्म चाय जब आप पीते हैं बिना ब्रश के तो सब कुछ साफ हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, इस तरीके से बताते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि ये जो ब्रेड जो लोग ले लाया करते थे उस कम्युनिटी के लोगों को पडेर, यानी पडेर कहा जाता था उस गोवा के कम्युनिटी के लोग जो बेकर हुआ करते थे, जो ब्रेड लाया करते थे। और ब्रेड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि शादियों का मतलब ही खत्म हो जाता था अगर ब्रेड ना हो। जिस तरीके से वहां के बेटियों की अगर एंगेजमेंट होती थी तो वहां लोग सैंडविच बनाया करते थे, उसी तरीके से ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट था। जिस तरीके से केक और बोलिन हास जो क्रिसमस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उसी तरीके से ब्रेड भी उतना ही इंपॉर्टेंट था। अगर कोई पार्टी हो, कोई फीस्ट या कोई दावत हुआ करती थी तो अगर वहां ब्रेड ना हो तो वो अपनी खूबसूरती खो दिया करती थी, इस तरीके से बताते कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था ये। वहां के जो लोग हुआ करते थे उन लोगों का जो एक स्पेशल ड्रेस होता था, उन ब्रेड बेकर्स का एक स्पेशल ड्रेस होता था, उस ड्रेस को कबाई, यानी कबाई जो है वो बेकर का एक स्पेशल ड्रेस होता था, और वो एक लॉन्ग पीस ऑफ फ्रॉक होता था और उसके ऊपर वो शर्ट पहन के रहते थे।
और वो कहते हैं कि उन्हें याद है बचपन में जब वो बेकर को देखते थे तो उनका ड्रेस एक शर्ट और शर्ट के नीचे वो ट्राउजर पहनते थे, और वो ट्राउजर जो होता था वो फुल लेंथ ट्राउजर से छोटा होता था और हाफ पैंट से बड़ा होता था, यानी अप टू नी घुटनों तक होता था वो उनका ट्राउजर, थ्री क्वार्टर तक। और इस तरीके से वो बताते हैं कि वो लोग जो है आज भी गोवा की सड़कों में अगर कोई इस तरह का ड्रेस पहन के निकल जाता है तो लोग उन्हें पड़े यानी बेकर का कमेंट करके उसे चिढ़ाते हैं या बेकर बुलाते हैं क्योंकि एकदम फेमस है ये ड्रेस। उसके बाद ये भी कहते हैं कि उनका जो फिजिक हुआ करता था, उनका जो सेहत, वो बहुत एक जैक फ्रूट, एक कटहल की तरह होता था, बहुत ज्यादा हटे कटे लोग होते थे और ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था, लेकिन अब शायद धीरे धीरे खत्म हो गया। और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस ना ज्यादा अच्छा था क्योंकि फैमिली, उनके घर वाले, उनके नौकर, ये लोग कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई, कभी भी पैसों की तंगी नहीं हुई और बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस, बहुत ज्यादा वेल्दी और धनी रहे। और इस तरीके से राइटर ये बताते हैं कि उन्होंने अपने बचपन का पास्ट का इंसिडेंट एक्सप्रेस किया और बड़े मजेदार तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है और कहा कि अब गोवा की सड़कों में वो नहीं है, अब उनके पूर्वज तो नहीं रहे लेकिन बनाने वाले जरूर है, ब्रेड खाने वाले लोग भले ही वहां से चले गए लेकिन बनाने वाले अभी भी है, उस आग, उस भट्टी की आग अभी तक नहीं बुझी है और ये जो ब्रेड बनाने का जो एक रीति है, एक रिवाज है, अभी तक चला आ रहा है। और इसी चीज को उन्होंने बेकर फ्रॉम गोवा, जिससे लूसी रॉड्रिक्स ने हमें समझाने की कोशिश की। तो आई होप आपको ये समरी समझ में आया, बहुत ही शॉर्ट समरी था और काफी मजेदार था जिसमें हमने देखा इंडिया का झलक, गोवा के बारे में समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।